वहीं देश की बात करें तो कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों में कमी दर्ज की गई है। हालांकि दिल्ली में कोरोना से रोजाना मरने वालों की संख्या चिंता बढ़ाने वाली है। वहीं उम्मीद है कि आज दिल्ली को अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन मिल जाएगी। कोरोना के सबसे बुरे दौर को झेल रही दिल्ली के लिए आज अच्छी खबर आ रही है। दिल्ली को आज अब तक की सबसे बड़ी ऑक्सीजन की खेप मिलने जा रही है। दिल्ली को आज लगभग 205 टन मेडिकल ऑक्सीजन मिलने जा रहा है। इसके लिए रेलवे की तरफ से दो ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 10 टैंकरों को लाया जा रहा है। यानी इन ऑक्सीजन टैंकर के पहुँचते ही दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी बड़ी खेप क्यों मिल रही है, हम आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 448 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि इस दौरान दिल्ली में 18,043 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 29.56% हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। हम आपको आंकड़ों के जरिए इसे समझाएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की स्थिति पर कहा क्या है। 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेज रिपोर्ट हुए थे, तो 2 मई को करीब 392,000 केसेज, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 367,000 केसेस। तो शायद केसेस में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेस में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है, यह भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। महाराष्ट्र में कुछ हद तक कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,621 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 567 मरीजों की मृत्यु दर्ज की गई, जबकि मुंबई में सोमवार को कोरोना के 2,624 नए मामले मिले। मुंबई में कल कोरोना से 78 मरीजों की मौत हो गई। यूपी में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आ रही है। 24 घंटे में 29,912 नए केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में यूपी में 288 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में कोरोना की चिंताजनक स्थिति बरकरार है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 12,820 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान गुजरात में 152 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के हालात को देखते हुए अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना से जुड़ी दवाइयों और उपकरणों पर GST कम किया है। इसके बाद लोगों तक ये दवाएं सस्ती कीमत पर पहुंचेंगी। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर विदेशी यात्रा पर भी पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारत से जाने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अभी भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले यात्रियों को 5 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 3 मई को लागू हुआ फैसला 14 मई तक लागू रहेगा। प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों पर भी लागू किया गया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में नेता विपक्ष ने इसकी निंदा की है। देश में मास्क और सामाजिक दूरी अभियान के साथ वैक्सीनेशन अभियान भी तेज हो रहा है। अब बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि वैक्सीन के बिना कोरोना से लड़ाई अधूरी है।